जी मसीह यसू में आप सबकी सलामती हो। चलोक टीवी पर आपको खुशामदीद कहता हूं। और इस वक्त मेरे पास खुदा के कुछ खादमीन मौजूद हैं जिनका ताल्लुक बोंगशान चर्च से है, और इस वक्त हम जो है वो राणा टाउन में मौजूद हैं। परिसब से आपकी फर्दन मुलाकात करवाते हैं। जी परिसब, आप जो है वो इस न्यू ईयर पे आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा नाम अजमत मालिक है और मैं राणा टाउन में बोंगशान होलीनेस चर्च के साथ अपनी खिदमात को जारी रखे हुए हूँ। और इस नए साल की बहुत सारी खुशियाँ हम आपको मुबारकबाद कहते हैं। और एक आयत जो मैं हमने जो अपने चर्च के लिए सिलेक्ट की है वो ये है कि जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग बेकैद हो जाते हैं। सो मेरी दुआ है और मेरा पैगाम ये है कि हम सब एक रोया के तहत अपनी जिंदगियों को बसर करें, ताकि ये 2022 साल जो है वो हमारी जिंदगियों में एक नयापन, एक नई खूबसूरती लेकर आए और हम उस रोया के मुताबिक ही अपनी जिंदगियों को बसर करें, ताकि खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। शुक्रिया जी। पर सब आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम पास्टर रफीक अख्तर है, बोंगशान होलीनेस चर्च राणा टाउन अबर टाउन। तो यहाँ पर हमने इस नए साल की बात की और लोगों को ये मैसेज जिस तरह खुदा के खादम ने बताया है कि जहाँ पर रोया नहीं वहाँ पर लोग बेकैद हैं। तो हमने एक रोया को, एक विजन को लेकर चलना है इस नए साल में। मैं आप सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो खुदा ने हमें ये नया साल दिया है, इस नए साल में हमें एक नई रोया को लेकर, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है बस वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। खुदावंद यीशु मसीह की आमद जल्द है, हमें इस रोया को लेना है कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। लेकिन हमें क्या खुदावंद से कहना है कि वो मजदूर भेजे जो असल में मजदूर हैं, क्योंकि फसल बहुत ज़्यादा है और अब वक्त है कि वो फसल को काटा जाए और बहुत सारे लोगों को खुदा की तरफ लेकर आया जाए, ताकि यीशु की आमद से पहले बहुत सारे लोग खुद तौबा करें और खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें। मेरी तरफ से, हमारे पास्टर साहब की तरफ से, बोंगशान होलीनेस चर्च की तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, पास्टर दानियल पार्क साहब जो हमारे इंचार्ज हैं उनकी तरफ से, आप सबको बड़ा दिन, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस। जैसे अभी कुछ दिन पहले क्रिसमस को गुजारा है, यीशु मसीह की आमद के दिन को मनाया है, तो हमें इस साल में मसीह यीशु की जो दूसरी आमद है उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। सो इस साल में हमें अपनी तमाम कमजोरियों को, उन कताइयों को जो हम पिछले साल में कर चुके हैं, उनसे दूर रह के मसीह की दूसरी आमद के लिए अपने आप को तैयार करना है, ताकि हम बादशाहत से बाहर ना रह जाएं। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। फिर दोबारा से आपसे मुलाकात होगी। आमीन।